हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग दिल से में। आज हम बनाएंगे जिमीकंद की सब्जी। इसे कुछ एरियाज में सूरन भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। जिमीकंद की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिमीकंद और आलू को बॉईल करना पड़ेगा। ये जिमीकंद है, मैंने ये 250 ग्राम जिमीकंद लिया है। इसे हम कुकर में डाल देंगे। और ये 3 आलू हैं जिसे मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है। इसे भी हम इसी के साथ डाल देंगे। हमें 1 ग्लास के करीब पानी डाल देना है। इसे हम बंद करके 2 सीटी आने तक पकाएंगे। जब तक हमारा जिमीकंद और आलू बॉईल होते हैं, तब तक हम अपना ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले ये प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने ये 2 प्याज ली हैं, इन्हें स्लाइस में काट लिया है। 6 से 7 लहसुन की पोटी हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। तो इन सबको मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम ये टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने 4 टमाटर लिए हैं, इसे हम मिक्सी में डाल देंगे। और ये 2 हरी मिर्च ली हैं, इसे भी हम मिक्सी में डालकर प्यूरी तैयार कर लेंगे। ये हमारी टमाटर की प्यूरी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब ग्रेवी तैयार करने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में ये ऑयल डालेंगे। ये हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, इसको गरम कर लेंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब हमारा जीरा हल्का सा भून चुका है, अब हम इसमें ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था ये डाल देंगे। ये जो प्याज का पेस्ट है, अब हम इसे थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक, हल्का लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हमारा प्याज का पेस्ट लाइट ब्राउन हो चुका है, यानी कि भून चुका है। अब हम इसमें ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, ध्यान रहे हमने हरी मिर्च भी यूज की है, नमक टेस्ट के अनुसार, और ये 2 छोटी चम्मच हमने इसमें किचन की मसाला डाला है। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, जब तक ये मसाला तेल छोड़ना शुरू ना कर दे। हमें इसे करीब 2 मिनट तक भूनना है। अब देखिए हमारा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ये उबले हुए जिमीकंद और आलू डाल देंगे। हम इसके साथ इसका पानी भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से थोड़ा सा पका के गाढ़ा गाढ़ा यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब्जी चावल के साथ खानी है तो आप इसे थोड़ा सा पतला बना सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। मैंने 1/2 ग्लास के करीब पानी डाला है और इस सब्जी को अब हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे, लगभग 10 मिनट के करीब और पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जिमीकंद की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल कुकिंग दिल से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।